पनीर की सब्जियों में सबसे जल्दी और सबसे आसान बनने वाली सब्जी है पनीर भुर्जी, जो कि मिनटों में बनकर तैयार हो जाती है। और आज हम बना रहे हैं ढाबा स्टाइल पनीर भुर्जी की सब्जी। ढाबे पे पनीर भुर्जी किस तरह से बनाई जाती है, आज हम इसको आपके साथ शेयर करेंगे कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ। तो दोस्तों, बिना देर किए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। लेकिन उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं रेसिपी और देखते हैं बहुत ही आसानी से पनीर भुर्जी ढाबा स्टाइल घर में कैसे बनाते हैं। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक कढ़ाई या कोई भी पैन ले लीजिए और उसमें डालेंगे एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल। आज हम ये रेसिपी सरसों के तेल में बनाएंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो इसे रिफाइंड ऑयल या बटर में भी बना सकते हैं। तो जब तक सरसों का तेल गर्म हो रहा है, कुछ खड़े मसाले देख लेते हैं। तो इसमें हम डालेंगे एक तेजपान, दालचीनी की डंडी, धनिए के बीज जिनको हल्का सा क्रश कर लिया है, और साथ में एक चम्मच जीरा। तो तेल हमारा गर्म हो गया है और ये जीरा मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ दालचीनी की डंडी, तेजपान, और इसको थोड़ा सा चला लेते हैं और उसके बाद डालेंगे धनिए के बीज। तो दोस्तों, अगर कोरिएंडर सीड्स आपके पास हैं तो आप इसे ज़रूर यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ढाबा या रेस्टोरेंट में इसका यूज़ बहुत किया जाता है और इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे बारीक कटी हुई हरी मिर्च, इसकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकती हो। 4-5 लहसुन की कलियों को क्रश करके डालेंगे, साथ में 1 इंच के अदरक के टुकड़े को कद्दूकस करके डाला है। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हो। बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे, तो प्याज की क्वांटिटी आप थोड़ी कम ज़्यादा कर सकते हो। यहाँ पे मैंने 3 बड़े प्याज यूज़ किए हैं। प्याज को अब हम तब तक भुनेंगे जब तक कि इसका कलर गुलाबी से थोड़ा सा और डार्क ना हो जाए। ध्यान रखिएगा, ढाबा स्टाइल सब्जी में प्याज थोड़ा सा तेज पका हुआ होता है। जैसा कि आप देख रहे हो, प्याज 80% तक कुक हो गए हैं। अब हम यहाँ पे एक ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। ग्रेवी को थिकनेस देने के लिए ढाबे और रेस्टोरेंट्स वगैरह में बेसन का यूज़ बहुत किया जाता है, और बेसन को हम यहाँ प्याज के साथ भून लेंगे लगातार चलाते हुए। ध्यान रखिएगा, बेसन तले में चिपकता है, तो इसको आप लगातार चलाते हुए भूनें और गैस का फ्लेम मीडियम से लो रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चिपकने लग जाता है। तो इसको लगातार चलाते हुए हम 5 मिनट के लिए भूनेंगे। 5 मिनट बेसन को भूनने के बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च। तो यहाँ पे बारीक कटी हुई शिमला मिर्च ऐड की है मैंने, और इसको भी हम 2 मिनट प्याज के साथ कुक कर लेंगे। इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन दूर करना है। 1 से 2 मिनट के बाद कुछ सूखे मसाले ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। तो यहाँ पे पूरी सब्जी का नमक हम अभी ऐड कर देंगे। तो 1 चम्मच नमक मैंने यहाँ पे ऐड किया है। अब हम यहाँ पे 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर देंगे और सभी मसालों को हम भून लेंगे प्याज और शिमला मिर्च के साथ। यहाँ पर मसालों को 1 मिनट से ज़्यादा नहीं भूनना है, 1 मिनट में ही ये अच्छे से कुक हो जाते हैं। अब मसाले हमारे जले ना, इसके लिए हम बारीक कटे हुए टमाटर ऐड करने हैं। तो टमाटर आपने कितने ऐड करने हैं, जितने कि आपने प्याज ऐड किए हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने 3 टमाटरों को बारीक काट कर ऐड किया है, और टमाटरों के पानी के कारण मसाले भी हमारे नहीं जलेंगे। और नमक तो हमने पहले ही डाला हुआ है, तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब इनको टमाटर गलने तक हम पकाएंगे। 1 से 2 मिनट के बाद बिल्कुल थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर देते हैं, जिससे कि सारे मसाले बहुत ही अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। आप चाहें तो टमाटरों को 2 मिनट के लिए ढककर भी कुक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए टमाटरों को ढक रही हूँ और इसको ढककर हम पका लेंगे। तब तक हम अपने पनीर को क्रश कर लेते हैं। तो ये घर का बना हुआ फ्रेश पनीर है, जैसे कि आप देख ही रहे हो। तो यहाँ पे पनीर को हमको ना कद्दूकस करना है, ना ही इनको मेश करना है, बस हाथों से इस तरह से क्रम्बल करना है। तो आप देख रहे हो, पनीर के कुछ छोटे कुछ बड़े टुकड़े यहाँ पर आ रहे हैं। बस पनीर भुर्जी में इसी तरह से पनीर को क्रश किया जाता है। तो पूरा पनीर हम क्रश करके तैयार कर लेते हैं, और तब तक टमाटर भी बहुत अच्छे से कुक हो गए हैं। जैसे कि आप देख ही रहे हो, इसमें से ऑयल छूट गया है। लास्ट में हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच कसूरी मेथी को क्रश करके, साथ में डालेंगे 1/2 चम्मच गरम मसाला। यहाँ पे गरम मसाला मैंने घर में बनाया था। अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। दोस्तों, स्टार्टिंग में जो हमने खड़े मसाले डाले थे उसमें मैंने काली मिर्ची और लौंग ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि गरम मसाले में सभी चीज़ें ऐड हैं। तो थोड़ा सा पानी डाल के इस ग्रेवी को और पका लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे क्रम्बल किया हुआ पनीर। तो दोस्तों, ये देखिए, पनीर हमने इसमें ऐड कर दिया है और ग्रेवी के साथ इस पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पनीर को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना होता है, नहीं तो पनीर थोड़ा सा च्यूई हो जाता है। इसलिए इसके बाद पनीर को सिर्फ 5 मिनट के लिए कुक कीजिए। आप चाहें तो इसको लिड लगाकर कुक कर सकते हो, गैस का फ्लेम एकदम धीमा रखिएगा। 5 मिनट के बाद सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसे गार्निश कर लीजिए बारीक कटे हुए हरा धनिया से। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी से बनकर तैयार हो गई ना, खाने में इतनी लाजवाब लगती है कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। और ये बहुत ही इजी रेसिपी है,
सबसे पहले बनकर तैयार हो जाती है पनीर की सब्जियों में से। आज हम पनीर भुर्जी को सर्व कर रहे हैं तंदूरी रोटी के साथ। तो दोस्तों, अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ये तंदूरी रोटी हमने गेहूं के आटे से बनाई है और बहुत ही आसानी से घर में बनकर तैयार हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।